अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान का एक पसंदीदा मशगला होता है, एक हॉबी होती है, और जो कि उसे बहुत पसंद होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी इसी तरीके से एक पसंदीदा मशगला है, वो है रेल फैनिंग और ट्रेन्स की वीडियोस बनाना, उन्हें देखना। तो इसी सिलसिले में आज 29 मार्च रोज़ बुध मैं मौजूद हूँ मुल्तान रेलवे स्टेशन पर। और ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं मुल्तान रेलवे स्टेशन की बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग। तो मैंने सोचा आज क्यों ना अपना माह रमज़ान के रोज़े को हसीन किया जाए। आज छठा रोज़ा है बाय द वे। सो मैं मौजूद हूँ मुल्तान रेलवे स्टेशन पर, तो इंशाल्लाह अंदर चलते हैं, फिर आपको जो भी ट्रेन्स मिलती हैं उनको कैप्चर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो मुल्तान रेलवे स्टेशन का ये बड़ा बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र है। सो रिज़र्वेशन ऑफिस आप देखें, बुकिंग ऑफिस, और ये लोकोमोटिव, आप स्टीम लोकोमोटिव कभी यूज़ होते थे तो ये एक ठहरा इधर। उसके अलावा ये पार्किंग एरियाज़ हैं, ये भी पार्किंग एरिया है। सो बड़ा खूबसूरत सा स्टेशन है और बहुत ही तारीखी रेलवे स्टेशन है। तो अभी अंदर चलेंगे, उससे पहले आपको ज़रा बाहर का मज़ीद रिव्यू देते हैं। तो DS साहब का ये ऑफिस इस तरफ बोर्ड लगा हुआ है। उसके अलावा ये कुछ ऑफिसेज हैं महल एक्सप्रेस SN जमील कंपनी का, जो कि 127-128 इसके अंडर चल रही है। और साथ ही में इमरान इंटरप्राइजेज़ का दफ्तर था, जो कि अभी क्लोज्ड है क्योंकि थल एक्सप्रेस अभी गवर्नमेंट के अंडर चल रही है। सो उसके अलावा ये आपको कुली हजरात नज़र आ रहे हैं, और ये पार्किंग में कुछ रिक्शा वगैरह ठहरे हैं, कार्स वगैरह आवाम की सहूलत के लिए। सो ये साथ में आपको 47-48 रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो कि अब प्राइवेट हो चुकी है, उसका दफ्तर नज़र आ रहा है, इसकी भी रिज़र्वेशन इधर ही होती है। सो अभी ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये पार्सल वगैरह जो भी सामान आता है वो इधर ही अनलोड होता है, और लोड भी यहीं से होता है। सो अभी आपको अंदर ले जाएंगे, अंदर का व्यूज़ दिखाएंगे, ट्रेन्स दिखाएंगे। तो ये था मुल्तान रेलवे स्टेशन का बाहर का लुक। ये रीजनल ऑफिस है महल एक्सप्रेस का, और कार्गो बुकिंग ऑफिस भी यही है। इधर देख सकते हैं बहुत सारा सामान पड़ा है, जो कि ट्रेन पे आता है और जहाँ पे जाना होता है वहीं पहुँचाते हैं। अभी तक तो बड़ा पुरसकून माहौल है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी कोई है नहीं। 1 अप और 2 डाउन का टाइम जब होगा तब वो आएंगी। उसके अलावा 15 अप और 17 7 अप 8 डाउन 16 डाउन, उसके अलावा 47-48 11 अप 12 डाउन, ये ट्रेन्स हैं जो कि यहाँ पे आती रहती हैं। और 127-128 129 130, तो ये सारी ट्रेन्स हैं। यहाँ पे कुछ ऑफिसेज हैं, उसके अलावा माल गाड़ियाँ भी यहाँ पे आती रहती हैं। 503 501 अप 503 अप सुपर पार्सल एक्सप्रेस, उसके अलावा डाउन में 502 डाउन और 504 डाउन, ये भी आती रहती हैं इसी से ऐसे अपना मुल्तान। तो ये कुछ ऑफिसेज हैं, और ये है इसकी इंट्रेंस। बाहर वाले के लिए इंट्रेंस, और बाहर जाने वाले के लिए एग्ज़िट पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ कैंटीन्स वगैरह भी हैं, बट जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान चल रहा है, सो इसी वजह से इन्होंने कवर किया हुआ है। सामने आपको जो रेक नज़र आ रहा है, ये है 127 अप महल एक्सप्रेस का, जो कि शाम को चलेगी 3:40 पर। ये कुछ देर में प्लेस हो जाएगा, अभी थोड़ा बहुत इसकी मेंटेनेंस हो रही है, सफाई का काम हो रहा है, और साथ में अगर कोई कोच अगर DVS होगी तो उस पर भी काम जारी है। उसके साथ साथ ये सामने आपको ऑयल टैंकर्स मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका शंट चल रहा है HPU-20 रावलपिंडी बेस 8039, इस पर वर्क कर रहे हैं। ये है मस्जिद, माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी मस्जिद है इधर, ये स्टेशन पे है। और ये किलोमीटर नंबर 86 पे वाक़ है मुल्तान रेलवे स्टेशन, और 400 फीट बुलंदी पे है सतह समंदर से। ये कुछ स्टॉल्स हैं,
जहाँ से ज़रूरत ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ली जा सकती हैं खाने पीने के लिए और बच्चों के लिए खिलौने वगैरह। और अभी तक हर बंदा तकरीबन रेस्ट कर रहा है क्योंकि कोई गाड़ी नहीं है अभी तक। सो ये सामने आपको नज़र आ रही है एक कोच, इसकी मेंटेनेंस जा रही है। तो ये सिक लाइन है, सिक लाइन पे कोचेस की मेंटेनेंस होती रहती है यहाँ पे मुल्तान रेलवे स्टेशन पे। और साथ में उधर वाशिंग का काम हो रहा है, वाशिंग लाइन भी है और सिक लाइन भी है। और मूसा पाक एक्सप्रेस 115 आपका रेक उधर प्लेस्ड है, उसकी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस हो रही है, सफाई हो रही है। ये भी फिर तकरीबन 4 नंबर प्लेटफार्म, ये जो 4 नंबर प्लेटफार्म आपको नज़र आ रहा है इधर ही प्लेस होगा इसका रेक। तो ये कुछ कार्गो के डब्बे मौजूद हैं, इसमें मे भी हो सकता है कोई सामान वगैरह हो। तो ये रिलीफ ट्रेन है मुल्तान की। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए ये फ़ौरन अरेंज की जाती है, विद इन 50 मिनट्स ये गाड़ी अरेंज की जाती है। तो रेस्क्यू ट्रक भी आई थिंक होगा मुल्तान के पास, बट ये अभी रिलीफ ट्रेन ये इधर स्टेबल है। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है ऐसा वैसा, तो उसके लिए ये यूज़ होती है। तो इसके बाद आपको अभी ले चलते हैं शेड की तरफ, मुल्तान लोकोमोटिव शेड। ये रेक प्लेस हो चुका है इधर, जिसका मैं आपको बता रहा था कि शंट जा रही है, पावर उसकी डिटैच हो चुकी है HBU 20 8039। ये पावर 11 अप में आई थी, 12 डाउन में, 1000 एक्सप्रेस में, और ये रात में जाएगी फिर 11 अप में। रावलपिंडी बेस लोकोमोटिव है ये। सो ये सामने HBU 20 8075 और H30 6018 नज़र आ रहे हैं आपको, ये रेस्ट कर रहे हैं इधर। इन्होंने गाड़ियां वर्क करनी है, अब 6018 115 अप वर्क करेगा, उसके अलावा HBU 20 8075 शाम को 1 to 7 अप वर्क करेगा। और अंदर एक GU 40 भी मौजूद है 9054, जो कि सुबह 11 अप लेकर आया था, कल रात 11 अप लेकर आया था, और अभी शायद किसी माल गाड़ी के साथ जाए। सो HBU 20 8039 जो कि शंटिंग कर रहा है, तो ये अब लें जी रुक चुका है। अब नहीं पता कि इसका आगे प्रोग्राम क्या है, अभी तक ये रुक चुका है। आई थिंक ये वाशिंग लाइन वाली साइड पे जाएगा, वहाँ पे शंट वगैरह करेगा। तो अभी आपको ज़रा शेड का व्यू दिखाते हैं। 836018 ये लीड करेगा 115 आपको इंशाल्लाह मुल्तान से लाहौर, जो कि 4 बजे चलती है मुल्तान से। और 1 to 7 अप HBU 20 8075 लीड करेगा, जो कि 15:40 पे चलती है मुल्तान से। तो ये अभी आपको शंटिंग लोकोमोटिव की तरफ लेके चलते हैं, जो कि शंट में बिजी है। ये आई थिंक वाशिंग लाइन की तरफ जा रहा है, उधर जाके कुछ शंट वगैरह करेगा। व्यूअर्स अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ट्रेन मुल्तान आती हैं और किन किन ट्रेन के यहाँ पे स्टॉप हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस, इन दोनों के यहाँ पे स्टॉप्स हैं, और 2 डाउन और 1 अप तकरीबन कोई 1 बजे और 1:30 बजे के करीब आती हैं दोनों। उनका मोस्टली क्रास इधर ही होता है मुल्तान में। और उसके अलावा यहाँ पे 7 अप और 8 डाउन का भी स्टाप है। 8 डाउन रात को आती है तकरीबन 8 बजे के करीब, और 7 अप सुबह आती है तकरीबन कोई 6:30 बजे के करीब। उसके अलावा 15 अप और 16 डाउन कराची एक्सप्रेस का भी यहाँ पे स्टाप है, और 15 अप तकरीबन सुबह आती है, वो भी तकरीबन 7-8 बजे आती है। और उसके अलावा 16 डाउन शाम को आती है रात में तकरीबन 9 बजे तक। उसके अलावा इधर 25 और 26 जकरिया चला करती थी, जो कि आजकल बंद है, बाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस, और उसका मुल्तान से डिपार्चर 4 बजे होता था 26 डाउन का। और उसके अलावा 27 28 शालीमार एक्सप्रेस, जो कि आजकल वो भी बंद है, वो भी इधर आया करती थी 27
भी रात को आती थी और 28 तकरीबन 11:30 बजे मुल्तान पहुँचती थी, और उसके अलावा 29:30 भी कभी चला करती थी यहाँ से सिंध एक्सप्रेस, वो अब बंद हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे 33-34 पाक बिजनेस एक्सप्रेस का भी स्टाप हुआ करता था, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है और वो अब जहानिया से होकर जाती है। तो उसके अलावा यहाँ से 43-44 भी चला करती थी, वो भी आजकल बंद हो चुकी है। उसके अलावा पाकिस्तान एक्सप्रेस यहाँ से चलती है 45 और 46 अब भी तकरीबन रात को आती है, 3-4 बजे उसका टाइम है आने का, और 46 का भी तकरीबन शाम को 18 बजे के करीब टाइम है। उसके अलावा 39 अप और 40 डाउन जाफिर एक्सप्रेस भी यहाँ पे आती है और इसका स्टाप है इधर। इसके अलावा जी 47 अप 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का भी यहाँ पे स्टाप है, वो भी यहाँ पे स्टाप करती है। तो कहने का मतलब ये है कि इधर बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है और बहुत ज़्यादा ट्रेन आती हैं इधर। इसके अलावा गुड्स ट्रेन भी आया करती हैं यहाँ पे, जिनमें 501 अप और 503 अप सर फहरिस्त हैं, और उसके अलावा डाउन में भी 502 और 504, यानी कि ये काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है। और माशाल्लाह यहाँ पे ट्रेन की वर्किंग बहुत अच्छी है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग है और रेलवे को अच्छी खासी अर्निंग दे रहा है ये रेलवे स्टेशन। अब अगर मुल्तान लोकोमोटिव शेड की बात की जाए तो इसको कोई लोकोमोटिव अलाटेड नहीं है, जिस तरह रोड़ी को अलाटेड हैं RG-24 और GMU-15 और मुख्तलिफ यानी कुंदिया लोकोमोटिव शेड को HBU-20 और GMCU-15 लोकोमोटिव अलाटेड हैं। तो इसको कोई अलाटेड लोकोमोटिव नहीं है, बट तकरीबन तमाम शेड्स के लोकोमोटिव यहाँ पे आते रहते हैं और इसको वैसे कोई लोकोमोटिव अलाटेड नहीं है। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पे एक टर्न टेबल भी है, उस तरफ भी आपको ले जाएंगे, अभी आपको सिर्फ दूर से दिखा रहे हैं। ये सामने टर्न टेबल है जहाँ से लोकोमोटिव अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, लोकोमोटिव की डायरेक्शन चेंज की जाती है। सो उधर भी आपको ले जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको वो सीन दिखाएंगे जब लोकोमोटिव टर्न टेबल पे होगा और उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। HBU-20 अब दोबारा बिजी है शंट पे, इसके साथ एक ZBKH और पीछे तांगा ब्रेक और एक BKC है जिसको ये आई थिंक किसी लोड के साथ अटैच करेंगे। सो बड़ा बिजी है आज HBU-28039। सो यहाँ पे लूज शंटिंग जा रही है जी, लूज शंटिंग हो रही है। ये है जी मुल्तान लोको मुल्तान रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन और सिक लाइन, जहाँ पे कोचेज की सफाई वगैरह होती है और अगर थोड़ा बहुत उनमें कोई मसला हो व्हील्स वगैरह में या कोई भी, तो उनकी मेंटेनेंस यहाँ पे होती है, उनको सेट किया जाता है। तो जो भी ट्रेन यहाँ पे आती है जिसका जिसने यहाँ पे रुकना होता है, यानी 127 और 128, उसके अलावा 128 डाउन और उसके अलावा 130 डाउन, तो फिर उनका रेक इधर ही जाता है, और 116 डाउन जो आती है उसका रेक भी इधर ही जाता है, उसकी फिर मेंटेनेंस होती है, उसके बाद फिर ये निकलता है इधर से और अपने प्लेटफार्म पे आता है। तो इस वक्त टाइम हो चुका है 1:15
और सामने मौजूद गाड़ी है जी टू डाउन कैबन बेल एक्सप्रेस जो के मुल्तान पहुंच रही है। मुझे इसका राइट टाइम तो नहीं पता, बारह लगता यही है कि ये गाड़ी राइट टाइम है। जी U40 इसकी लीड पे है, बड़ा हसीन सा मौसम बना हुआ है। प्लेटफार्म नंबर 5 पे आएगी ये। इसके साथ न्यू चाइनीज़ कोच भी है, अटैच है, जिसको मैं पहली बार कैप्चर कर रहा हूँ। जब से ये आई हैं तो फर्स्ट टाइम मैं इस कोच को कैप्चर करूँगा आज। लूप लाइन पेंटर हो रही है गाड़ी। मेरी ओपिनियन के मुताबिक GU40 सूट नहीं करता एक्सप्रेस ट्रेन्स को, क्योंकि ये ओनली फॉर गुड्स है। ये ड्राइवर हजरात को जलील करने वाली बात है, क्योंकि ड्राइवर हजरात भी थक जाते होंगे इसको वर्क करते हुए। तो बाकी हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी ने अपना सोचना होता है। तो मेरे सोच के मुताबिक GU40 का लिंक देना बहुत बड़ी जलालत है। GU40 9027 इज़ ऑन द लीड। ये है जी फ्रेश लगेज वैन जो कि अभी चाइना से आई हैं। प्लेटफार्म नंबर 5 पे गाड़ी इंटर हो गई हमारी। आई होप कि ये गाड़ी आज राइट टाइम है। के अराइवल को कैप्चर करने के बाद हम जाएंगे लोकोमोटिव की तरफ, आपको लोकोमोटिव का क्लोज लुक भी दिखाएंगे, इसकी मज़ीद डिटेल भी बताएंगे लोकोमोटिव की आपको। अभी आप सिर्फ इसको एंजॉय करें। काफ़ी लंबा एक है इसका, और ये इसकी ट्रेडिशनल कोच रेड, जिससे इसकी पहचान होती है कि ये खैबर मेल है। तो अभी हमारी टू डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस स्टॉप कर रही है यहाँ पे। तो ये कुली हजरात ने भागना शुरू कर दिया, अभी से आपको ले चलते हैं अभी लोकोमोटिव की तरफ। जी तो ये मेरा फर्स्ट रिव्यू है चाइनीज़ कोच, आज मेरे हाथ लगी है, तो ये भी आप देख लें। 24 टन्स लावा इस पर। ये लगेज वैन है, ये न्यू अभी आई है चाइना से। 160 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ये भाग सकती हैं। अब चलते हैं लोकोमोटिव की तरफ। GU40 9027 कराची लोकोमोटिव शेड की ये पावर है, और ड्राइवर असिस्टेंट ड्राइवर साहब एग्जामिनेशन कर रहे हैं लोकोमोटिव की। ये इसकी फ्यूल की टैंकी है, और ये हैं ड्राइवर साहब जो वर्क करेंगे टू डाउन मुल्तान से रोड़ी तक।
माइटी जी यू 40 9027। अभी इसकी फ्रंट लाइट्स जस्ट ओनली टू ऑन किए हैं ड्राइवर साहब ने। तो ये कराची लोकोमोटिव शेड का ये लोकोमोटिव है, पावर है, 8 नाचिस पे ये मुश्तमिल है और 6 मोटर्स हैं इसकी, 4500 हार्स पावर इसकी, इसकी हार्स पावर 4500। और वैसे तो ये पाकिस्तान में ओनली फॉर गुड्स आए थे, बट आजकल इनकी वर्किंग भाई इन्होंने इनको एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ लगा दी है, तो ड्राइवर बेचारे भी जलील होते होंगे। ये बॉक्सेस उठाए जा रहे हैं जी लाहौर शेड के ड्राइवर साहिबान के, जो कि इस गाड़ी को मुल्तान तक लेकर आए हैं। पानी वगैरह भरा जा रहा है कोचिस में, इसका स्टाफ तकरीबन 20 मिनट है यहाँ पे मुल्तान रेलवे स्टेशन पे। बीस मिनट का स्टॉप है जी, लोकोमोटिव पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है, शीशे वगैरह इसके साफ़ हो रहे हैं। न्यू ड्राइवर साहब ने चार्ज लिया है तो वो खुद चाहते हैं कि लोकोमोटिव बिल्कुल फ्रेश मिले उन्हें, नीट एंड क्लीन हालत में जी। तो मैं इस वक्त सीढ़ियों पे चढ़ा हुआ हूँ और सामने आपको 2 डाउन नज़र आ रही है, उसके साथ 127 अप कर एक नज़र आ रहा है, और उसके साथ जो लोकोमोटिव आपको नज़र आ रहा है वो है शंटर लोकोमोटिव GU4HB28039। तो कोशिश होगी इधर से ही कैप्चर करेंगे 2 डाउन के डिपार्चर को भी। तो फाइनली ये भाई आ चुके हैं, टोकन मैन इसे कह सकते हैं हम, ये अभी साइन करवाएंगे, ड्राइवर साहब साइन करेंगे, प्रेशर वगैरह फिट देंगे, उसके बाद विसल लगाएंगे, कोई प्रेशर वगैरह चेक करेंगे ड्राइवर साहब, उसके बाद साइन करेंगे। प्रेशर चेक कर रहे हैं ड्राइवर साहब। साइन कर रहे हैं ड्राइवर साहब जी, लो साइन करके दे दिए, तो अभी विसल लगाएंगे ड्राइवर साहब। 2 डाउन, बड़ा शिद्दत वाला विसल था इसका, ये तो किसी को पैरा कर सकता है ये विसल, इतना शदीद किस्म का विसल। गार्ड साहब के यस का इंतज़ार है, गाड़ी मूव हो जाएगी, मेरे ख्याल में राइट टाइम ही इसका डिपार्चर हो रहा है, 1:51 हो चुके हैं, आई थिंक राइट टाइम है गाड़ी। राइट से इज़ द गार्ड, ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ग्रेजुअली।
डिपार्चर हमें यही स्लो ही देखने को मिलेगा, फिर हमने लूप से मेन लाइन पे जाना है। ए 30 का विसल अभी मुझे सुनाई दिया है, इट मीन्स के 30 शेड से निकल चुका है, उसने वर्क करनी है 115 अब मूसा पाक एक्सप्रेस। ए 30 ने 6018 उसकी है। मैं भी ज़रा नीचे आके इसको कैप्चर करता हूँ। इसके बाद हमारी जी हमारे पास आएगी वन अप कैबर मेल एक्सप्रेस, उसकी लीड पे भी आई थिंक GU40 है, उसको भी कैच करेंगे। आज की हमारी बस यही ट्रेन हैं, मेरे ख्याल में आज हमें कोई गुड्स ट्रेन देखने को नहीं मिलनी, अभी तक तो यही फील हो रहा है। आगे देखते हैं फिर क्या बनता है। और कुछ सामान रह गया है उसको चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी पुलिस साहब, आई थिंक गार्ड साहब ने मना किया है, वो नहीं रुकना चाहते। सो ये सामान इधर ही रह गया। आई थिंक अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि टाइम से आ जाना चाहिए, जब हर किसी को पता है ट्रेन के टाइम का, फिर आ जाना चाहिए उसी टाइम पे। ये हैं जी गार्ड साहब, और आई होप के इंशाल्लाह ये गाड़ी खैर खैरियत से पहुँचे अपनी मंजिल मकसूद तक। अभी हम चलते हैं नीचे, इसके बाद वन अप का टाइम है, वन अप को कैच करेंगे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, अभी टू डाउन का डिपार्चर कैप्चर किया है, तो वन अप आ गई है जी, और वक्त हो चुका है पूरे दो बज चुके हैं, और इसकी लीड पे भी GU40 है वन अप। ये हमारे पास प्लेटफार्म नंबर 3 पे आ रही है, प्लेटफार्म नंबर 3 पे ये अभी अराइवल करेगी वन अप। GU40 की लीड पे है ये भी। मैं चाहता था कि आज कोई HGMU-30 मिले, बट अनफॉर्चुनेटली कोई HGMU-30 नहीं मिला, और ना ही मेरा फेवरेट GMU-30 मिला आज देखने को। चलें इसी पे गुजारा करते हैं। ये मेन लाइन पे डायरेक्ट आ रही है, सो इसका अराइवल आई थिंक थोड़ा तेज़ ही होगा। आई थिंक ये तकरीबन 30 मिनट लेट है। नाश्ता इसके साथ भी चाइनीज़ रेक अटैच है। GU9017 बड़ा स्पीडी अरेवल है इसका।
ट्रेन कराची से पेशावर जाती होती है, बरास्ता, खानेवाल, लाहौर, रावलपिंडी। तो जब तक ये रुकती है आपको ले चलते हैं इसके लोकोमोटिव की तरफ, GU40 9017, ओनली फॉर गुड्स बट वर्किंग पैसेंजर ट्रेन, इट्स पाकिस्तान ब्रो, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये है वन अप के साथ लगेज वैन जो कि अटैच है, ये भी चाइनीज़ है, चाइना से आई है ये भी, और ये GU40 9017 राइट इन फ्रंट ऑफ द शेड। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं गाड़ी को रुके हुए और मज़ीद 10 मिनट स्टे करेगी, उसके बाद ये चलेगी वन अप मुल्तान से। मेरे मोबाइल की तो मेमोरी फुल हो चुकी है, तो कोशिश होगी कि आपको इसका डिपार्चर सिर्फ बताएं दिखाएं। सो व्यूअर्स, टाइम हो चुका है 3:15 और 1:15 अप की पावर ऑन ट्रेन हो चुकी है, 1:15 अप की लीड पे 8:30 6:01 है, और ये हमारे रिस्पेक्टेड असिस्टेंट ड्राइवर साहिबान हैं, रेड कैब वाले हैं जी, नदीम भाई NLC से हैं, और उनके साथ हैं वकार भाई जो कि लाहौर लोकोमोटिव शेड के असिस्टेंट ड्राइवर हैं, इन्होंने अपना वक्त दिया और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा इनके साथ। लोकोमोटिव है जी 6018, पावर ऑन ट्रेन हो गई है इसकी, 16 इसका डिपार्चर होगा, और आजकल इसकी कोचेज हैं तकरीबन 18 के करीब इसकी कोचेज हैं, और इसका रूट है मुल्तान से लाहौर 1:15 अप, और ये भी इसके तकरीबन 6 हैं। इसका फर्स्ट स्टॉप खानेवाल में है, और उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है साहिवाल, चीचा वतनी में इसका स्टॉप है, उसके बाद ओकाड़ा, और देन रायवेंड, पतोकी और लाहौर, तो 5-6 स्टॉप हैं इसके। 1:16 के भी ऐसे स्टॉप हैं, वो रात को तकरीबन 11 निकलती है लाहौर से। तो ये तकरीबन 5 का इसका रनिंग टाइम है, 5 में ये गाड़ी पहुँच जाती है। पहले इसकी कोचेज 10 हुआ करती थी, तो अब इसकी कोचेज़ बढ़ा दी गई हैं, अब 18 कोचेज़ हैं इसकी। अभी हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक तो हमारे पास स्टोरेज का मसला बन गया है मेरे मोबाइल का, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमाइज़ करूँ अपनी वीडियोस को। तो ये सामने मेरी गाड़ी प्लेस हो चुकी है 127 अप महर एक्सप्रेस, इस पर मेरी जर्नी होगी आज, कोशिश होगी कि आपको पूरी जर्नी कवर करवाई जाए, दिखाई जाए। ये हमारा रेक है जी, इसमें इकानमी क्लास से स्टार्ट हो रहा है, पीछे पावर वैन थी और इकानमी क्लास ये जा रही है। कोई अच्छा खासा रश नहीं है इधर स्टेशन पे, जिस तरह पहले हुआ करता था। सो रमज़ान का पहला इशरा है, तो टर्न आउट बहुत कम है इधर वाम का सफ़र करने का। तो इकानमी क्लास अभी जा रही है, AC के कोचेस इंजन के साथ अटैच हैं आगे। ये जी AC स्टैंडर्ड शुरू हो चुकी है, कोचेस 2 AC स्टैंडर्ड हैं, उसके बाद फिर आगे पावर वैन है, और लोकोमोटिव है आज हमारा HPU 20 8075, जो कि कुनिया लोकोमोटिव शेड का लोको है। 6 मोटर्स और 6 नाचिस पे मुश्तमिल है। 15:40 पे हमारा डिपार्चर होगा इंशाल्लाह राइट टाइम, और सनावा इसका राइट टाइम अरावल है 17:16 और डिपार्चर टाइम है 17:18, यानी 2 का स्टॉप है। पावर वैन और ये है लोकोमोटिव। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को शॉर्ट करूँ, बस ये लोकोमोटिव को आप देख लें, 8075 HPU 20।
इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये राइट टाइम चलेगी। ये सामने GMCU 15 भी आ गया है, खानेवाल से ये पावर आई है। शंटिंग इंजन नहीं है मुल्तान में, तो शंटिंग इंजन आ गया खानेवाल से, GMCU 15 4906। प्लेटफार्म नंबर 4 पे हमारी गाड़ी को प्लेस किया गया है, प्लेटफार्म नंबर 4 पे मौजूद है, तो हम सीधा सीधा जाएंगे, कोई लूप लाइन नहीं है। ये सामने GU 40 आपको नज़र आ रहा है, ये भी अकेला घूम रहा है इधर। GU 40 9054, आई थिंक ये इधर ही रुका रहेगा क्योंकि हमारी गाड़ी चलने वाली है। सो डियर व्यूअर्स, ये ज़रा मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ, ये जो सामने आपको स्पॉट नज़र आ रहा है, ये GU 40 जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये चला गया यहाँ से। अब ये नहीं पता कि ये क्यों गया, हमारी गाड़ी से पहले उसे चला दिया गया। सो ये प्रायोरिटी पे जा रहा है, डोंट नो कि क्यों ये प्रायोरिटी पे जा रहा है। GU 40 9054, हालाँकि हमारी ट्रेन का टाइम पूरा हो चुका है, 5 मिनट अभी ओवर हो चुका है, 15:45 हो चुके हैं, और हमारी ट्रेन का जो राइट टाइम है वो 15:40 है, मगर अभी तक उससे इंजन को चला दिया गया है। अब ये नहीं पता कि ये क्यों जा रहा है, बहरहाल ये मेरे ख्याल में किसी एमरजेंसी बेस पे ही जा रहा है और गायब हो गया है, बड़ी स्पीड में जा रहा है। तो जैसे ही डिपार्चर होता है फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं।